हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए 5 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स राकेश झुंझुनवाला जी के पास हैं। इस स्टॉक में स्टॉक ट्रेड कर रहा है 80 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट आना था। कल मैंने एक वीडियो इसके बारे में आपको बना के बताया था कि क्या एक्सपेक्टेशंस एनालिस्ट ने क्या एस्टिमेट्स रखे हुए हैं, कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। कल तक वो ये कितना एस्टिमेट्स था, एक एक्सपेक्टेशंस थी, आज वो आपको ट्रू वैल्यूज़ की मिल गई है। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि जो एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था क्या वो सही है या नहीं है, और कितना प्रॉफिट हुआ है, और कितना बैंक का शेयर है। तो एनपीए भी देखना होता है कि कितना एनपीए है, क्योंकि मेजर वही होता है। एक नज़र देखते हैं इन सारे पैरामीटर्स के इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। देखिए, राकेश झुंझुनवाला जी का हमने नाम लिया, तो सबसे पहले आप उन्हीं का नाम देखिए। 5,72,21,060 शेयर उनके पास है, मोर देन 5 करोड़। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देखिए, ऑलमोस्ट 3,73,00,000। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट 3,58,00,000। आदित्य बिरला सनलाइफ 4,35,00,000। तो इस तरीके से ये बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें शामिल हैं। चलिए, ये तो सब ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिजल्ट की, Q2 के। ये देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फेडरल बैंक की। आज 1:30 से 2 बजे के आसपास इसे रिजल्ट आया है। रिजल्ट का सीधे असर मार्केट पे देखने को मिला है। कैसा असर देखने को मिला है वो भी बात करेंगे। पहले रिजल्ट पे एक समीक्षा कर लेते हैं कि कैसा रिजल्ट रहा, ओवरऑल एक्सपेक्टेड क्या था, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, ताकि आप जो एनालिस्ट के एस्टिमेट्स हैं उनको, आप उनके जो एक्सपेक्टेड कल बता दिया था उनको कितना रिलेट करते हैं वो चीज़ें, वो आप हिसाब किताब लगा पाओ। फिलहाल मैं आपको देख के चलता हूँ, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल इनकम से। टोटल इनकम अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसकी, ये मुझे दिख रही है, ये देखिए, ये सारी फिगर लाख में, अगर मैं करोड़ में कन्वर्ट करूं तो 3,748 करोड़, 3,748 करोड़, जो कि लास्ट ईयर सितंबर थी 3,135 करोड़। तो अच्छा खासा जंप टोटल इनकम में दिखा है। अगर आप खाली इंटरेस्ट इनकम देखते हो ना, इंटरेस्ट अर्नड, आप खुद देख लीजिए कि कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, 3,336 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था ओनली 2,813 करोड़। तो अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्नड आपको दिख रहा है यहाँ पे, बढ़ा है इन कंपैरिजन विद लास्ट क्वार्टर, यानी कि जून क्वार्टर के रिजल्ट में या फिर लास्ट ईयर सितंबर, दोनों के कंपैरिजन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अब हम यही नहीं, हम देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ भैया, ये तो सब ठीक है, आपने नेट प्रॉफिट कितना दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो एस्टिमेट्स थे बिल्कुल उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है 424 करोड़, 425 करोड़ का प्रॉफिट, 424, ये मानी सीधे देखिए, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 424 करोड़, 424 करोड़, जो कि लास्ट ईयर ओनली 280 करोड़ के आसपास था। 280 करोड़ से अच्छा जंप मैं कहूँगा इसको। और जून में यही नेट प्रॉफिट 373 करोड़ था। तो एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आया है। लेकिन बैंक के शेयर में, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, बैंक के शेयर में एक इंपॉर्टेंट बात होती है जो हमको देखनी होती है, वो देखने होते हैं एनपीए। भाई इस चीज़ को ध्यान रखें और हमेशा अपनी लिस्ट में, अपनी चेक लिस्ट में हर जगह ऐड कर लें। जब भी आप बैंक का शेयर का रिजल्ट देख रहे हो या डिटेल्स देख रहे हो, तो उसमें क्या देखते हैं, एनपीए। तो एनपीए अगर आप देखें यहाँ पे, उम्मीद थी कि एनपीए कम रहेगा, लेकिन यहाँ पे एनपीए आपका जो परसेंटेज ग्रॉस एनपीए 3.06 है और नेट एनपीए 1.60 है। अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन करूँ सितंबर में, तो थोड़ा सा कम हुआ है, 3.10 से लेके ये 3.10 से 3.06 हुआ है, और नेट एनपी देखिए 1.78 से 1.60 हुआ है। और जून में यही 2.98 था और 1.50 नेट एनपी था। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि एनपीए इतना नहीं घटा है जितना घटना चाहिए था। और बैंक के शेयर में एनपीए अगर ये घटता ना 2 पॉइंट समथिंग हो जाता, मतलब 3 से कम हो जाता, तब भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलता। इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट देने के बाद भी शेयर में उछाल कम ही आया होगा, क्योंकि एनपीए एक बड़ा कंसर्न होता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। बैंकिंग शेयर में डेट नहीं देखते, बैंकिंग शेयर में एनपीए देखते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट होने के बावजूद भी एनपीए थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो इस रीज़न से शेयर में गिरावट आई है और आई होगी। अब देखिए, अब मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। देखिए, कल जो एस्टिमेट रखा गया था, जो एक्सपेक्टेड किया गया था एनालिस्ट के द्वारा, 50 से 60% प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रखा गया था, और एनपीए 2.90 के आसपास बताया गया था कि इतना रह सकता है, और नेट एनपीए 1.4 के आसपास, ग्रॉस एनपीए 2.9। लेकिन एनालिस्ट प्रॉफिट की जगह बिल्कुल सही थे, और आज की डेट में जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो कि आज की डेट का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 52% है, मतलब 50 से 60% के ऊपर प्रॉफिट सर्जेज है, 52% जंप के हैं, बहुत सही, इतना ही एक्सपेक्ट किया था और इतना ही है।
अब आप देखिए कल की एक्सपेक्टेशन आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि 440 करोड़ के आसपास था, लेकिन 50 से 60 करोड़ के बीच में ये माना गया था। लेकिन बात यहाँ पे है कि एनपीए जो एस्टिमेट किए गए थे, जो एक्सपेक्ट किए थे, उससे कहीं ज़्यादा है। 2.9 वहाँ पे देखिए, 3.06 और 1 पॉइंट कितना है, और यहाँ पे 1.4 का एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन आया कितना एक्चुअल में, 1.60। 3.06, 1.60, तो ये एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। मतलब लोगों ने इतनी उम्मीद नहीं करी थी। तो ये रीज़न, आज की डेट में आप इसका कारोबार देख लीजिए कितना, कैसा कारोबार रहा, तो मुझे क्लियरली देखने को मिल रहा है इस शेयर में आज गिरावट आई है, और ये गिरावट रिजल्ट के जस्ट बाद आनी स्टार्ट हो गई। आप देखिए 82.30 पे ये बंद हुआ है, और नीचे गया होगा, ये देखिए लो 79 का लो बना है, बाद में खरीदारी भी इसमें हुई है। जैसे ही नीचे गया सपोर्ट लेवल पर खरीदारी देखने को मिली है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ओपन देखिए 86 पे हुआ था, लोगों को उम्मीद थी कि अच्छा जाएगा, और 86.85 का हाई भी बनाया था, लेकिन आते आते ये लो आ गया। अब यही नहीं, आज की डेट में ऑलमोस्ट 6 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 2 करोड़ की डिलीवरी देखने को मिली, 32% की डिलीवरी। अब बात आती है कि स्टॉक में क्या किया जाए, और अगर नीचे आता तो कहाँ पे खरीदारी बनती है। देखिए मैं इसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखता हूँ। क्यों देखता हूँ वो आप देख सकते हैं, थोड़ा एनपीए अगर यहाँ पे सुधर जाए तो आज देखिए शेयर 95-100 के आसपास होता। अब ये देखिए आप इस स्टॉक को अगर आप देखें 84-85 के आसपास, जैसे आज 79 के आसपास गया था, तो 6 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। मतलब प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त ये देते जा रहा है, प्रॉफिट बढ़िया है। लेकिन बात आती है एनपीए, थोड़ा सा एनपीए में सुधार हो जाए तो मज़ा आ जाए। अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स का मैं इसको एनपीए आपको दिखाऊं, तो देखिए ये एनपीए सबसे ज़्यादा जो था 3.11% था, इस बार कितना है, जो ग्रॉस एनपीए है वो 3.06 है, यानी कि यहाँ पे एक बार 3.14 भी गया था, तो इसको थोड़ा सा कम होना पड़ेगा, थोड़ा सा कम होना पड़ेगा तभी ये बढ़िया रहेगा। अब बात आती है नेट एनपीए की, नेट एनपीए जो मैक्सिमम रहा है 1.78 तक गया, 1.69 तक गया, लेकिन इस बार कितना है, 1.60, लेकिन इसको भी थोड़ा सा कम, अगर ये 1.50 से नीचे आने लग जाए एक बार, तो एक पॉजिटिविटी आप इस शेयर में देख सकते हो। ये देखिए आप चार्ट देखिए, आज की डेट का अगर चार्ट देखते हैं तो बिल्कुल इसने अपने सपोर्ट को टच किया, और सपोर्ट को टच करते ही जो सपोर्ट मैं कह रहा था 79 से लेके ये 77, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, तो इसको टच किया है, और टच करने के बाद शेयर में गिरावट आई है। आप क्लियरली देख सकते हो गिरावट शेयर में आई है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँ, जैसे शेयर ने कहते हैं ना, यहाँ से ये अक्टूबर से लेके एक पॉजिटिविटी दिखाई थी, यहाँ पे इसने अपनी एक ट्रेंड लाइन को, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसको तोड़ा था। तोड़ने के बाद ये शेयर जब ऊपर गया, इसी ट्रेंड लाइन का इसने जो है एक रेजिस्टेंस का काम किया। कई बार होता है ना ट्रेंड लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं, वही आपने देखा। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ शेयर को, आज की डेट में गिरावट आपके जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ऊपर उछलेगा, लेकिन नहीं उछला, और ये गिरावट आज रही। अब यहीं पे नहीं, मुझे लगता है कि अगले टाइम पे आपको ये शेयर की रेंज जो है ये 73 का सपोर्ट को भी टच कर सकता है बहुत जल्दी, 73 के सपोर्ट को। तो अगर आपको ये खरीदारी करनी है, तो शेयर का इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन आपको 73 या फिर ये 67, इन रेंजेस में आप इसमें खरीदारी का सोच सकते हो, क्योंकि स्टॉक कोई बुरा नहीं है, बढ़िया स्टॉक है। थोड़ा एनपीए यहाँ पे इम्प्रूवल की ज़रूरत है, और लास्ट टाइम पे भी इसी चक ये देखिए कहाँ से ये 127 के लेवल से गिरता गिरता 67 के लेवल पे आया था। तो अभी आप देख पा रहे हो इसमें स्टॉक में रिजल्ट, मुझे प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन मुझे एनपीए में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की उम्मीद यहाँ पे थी। और इसी तरीके से ये बात करूँ मैं, अप्रैल 2016 में भी इसमें 42 रुपीज़ के अराउंड तक करेक्शन हुआ था, नीचे गिरा था ये 42 रुपीज़ के आसपास था। ये देखिए आप क्लियरली इस चार्ट को देखिए, आप समझिए, और इस तरीके से अगर मैं इसमें आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ पिछले कुछ टाइम के हिसाब से, इन ट्रेंड्स के हिसाब से, तो क्या आपको देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ से ड्रॉ करते हैं इन ट्रेंड लाइन को, तो ये ट्रेंड लाइन मुझे दिखा रही है कि हाँ भाई अभी तो ये इस ट्रेंड लाइन से काफ़ी ऊपर है। और अगर मैं थोड़ा सा और शॉर्ट इसको करूँ, यहाँ से ड्रॉ करूँ इसको, तो देखिए क्लियरली आप इस ट्रेंड को देख सकते हो कि ट्रेंड से बहुत नीचे ये ट्रेड कर रहा है, इस ट्रेंड के आसपास भी। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये थोड़ा सा सस्ते में मिले, 70-68 या फिर 73, इन रेंजेज में सपोर्ट इसके देखने को मिल रहे हैं। आज की डेट में कारोबार जो आपने देखा किस तरीके से इसने कारोबार किया, एक नज़र मैं ऑप्शन चेन के डाटा पर डालता हूँ कि कैसा रहा ऑप्शन चेन का डाटा। ऑप्शन चेन में आज जरूर जो कॉल है वो सब नेगेटिव में गए होंगे, डेफिनेटली आज कॉल बहुत सारी कॉल्स देखे सब नेगेटिव में पड़े हुए हैं। मतलब कॉल सेलर आज एक्टिव हुआ यहाँ पे, और अभी भी
रेजिस्टेंस की तो बात छोड़े फिलहाल, तो अब हम नीचे यहाँ पे आ गए हैं कि कहाँ पे कॉल सेलर देखिए बहुत एक्टिव हुआ आज, सारा प्रीमियम नेगेटिव पड़ा हुआ है कॉल्स का। पुट का अगर देखें, पुट के डिटेल हमको सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो देखिए 77 के लेवल पे यहाँ पे एक पॉजिटिव प्रीमियम देखने को मिल रहा है, उम्मीद है। लेकिन सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे जो दिख रहे हैं वो 75 के लेवल पे दिख रहे हैं, 19 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पड़े हैं, और 80 के लेवल पे अभी भी 32 लाख ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं, और मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 80 का देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 17 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और पॉजिटिव में प्रीमियम भी रहा है। लोगों ने यहाँ पे एक उम्मीद किया है कि 80 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अभी भी रहने वाला है। चलिए, ये तो हमारा कॉल ऑप्शन का डेटा था, और फिलहाल आपको मैंने डेटा दिखाया कि इस तरीके से शेयर की पॉजिटिविटी आप देख सकते हो, और एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शेयर ने परफॉर्म किया, और जो गिरावट थी उसका मेन कारण आज का आपने देखा क्या था, एनपीए। इसीलिए कहते हैं कि बैंक के शेयर में एनपीए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।